हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं गोवा घूमते घूमते अचानक इस मार्केट में पहुंच गया और मैंने देखा कि गोवा की इस मार्केट में सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। तो चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या क्या ले सकते हैं यहाँ से और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, लेट्स गो। यहाँ पर आपको सारी दुकानें, सारी सस्ती दुकानें, सब्जी, वेजिटेबल, मसाले सब कुछ सस्ते एंड अच्छे दामों में मिल जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल लोगों के अलावा वीआईपी लोग भी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वीआईपी लोग जो गोवा के होते हैं वो भी यहाँ पे विजिट करते हैं। और ये मेन पंजिम सिटी के सेंटर में स्थित है और बहुत बड़ा मार्केट है और गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और ये एक सब्जी मंडी है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको देखना चाहते हैं, अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप गोवा की इस जगह पे आके खरीद सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर ना केवल नॉर्मल लोग बल्कि हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं गोवा के, वो भी यहीं से सारा आइटम्स खरीदते हैं। तो ये हो गया, पंजिम सिटी के सेंटर में स्थित है। और अगर आप गोवा आ रहे हो तो एक बार ज़रूर, अगर कुछ आपको शॉपिंग करना है, कुछ भी खरीदना है, वेजिटेबल्स, मसाले, स्पाइसेज, या फिर गोवा की लोकल फिश मार्केट देखना है, तो आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और गोवा का कल्चर से भी थोड़ा सा अवगत हो जाओगे। तो ये पंजिम के सिटी के सेंटर में स्थित है और इसके बहुत सारे इंट्रेंसेज है और ये बहुत बड़ा है, नॉर्मल नहीं है। ये गोवा का ये जो मार्केट है नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अगर मैं यहाँ से कम मैं यहाँ आधे घंटे से घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसमें एक फ्लोर भी नहीं है, तीन फ्लोर से में ये है, मतलब टोटल तीन फ्लोर है इस बिल्डिंग्स में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। और गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट द्वारा बना के लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो मार्केट है साल के पूरे साल सजती है और यहाँ पर पूरे साल भी ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। और हमेशा यहाँ से पर आप अच्छी एंड सस्ती चीज़ें ले जा सकते हैं अपने घर। इसके अलावा भी और एक सेक्शन है जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो चलिए उस आगे सेक्शन में चल के दिखाता हूं कि यहां पे और क्या क्या मिलता है। पहले आप मैंगो देख सकते हैं, मैंगो की लॉट ऑफ वेराइटीज़, ये सब गोवा में है। और गोवा में बहुत सारे मतलब फेवरेट आम भी मिलते हैं अगर आपको चाहिए। वैसे गोवा तो काजू एंड बादाम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर ये स्नेक गार्ड आप देख सकते हैं, ब्रिंजल एंड ड्रम स्टिक, लेडी फिंगर, बहुत सारे आइटम्स ये यहाँ पे बेचते हैं जो कि कॉमन है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपने नहीं देखा होगा, वो भी यहाँ पर बेचते हैं। जैसे वो आप देख सकते हो उधर साइड में, वो एक क्या है, बीन्स है, उसे कुछ आई फॉरगट द नेम, बट वो नॉर्मल बीन्स नहीं है जो हम लोगों की तरफ होती है, उसे कुछ दूसरा बोलते हैं। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंगो हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग मैंगो की मैंने प्राइस पूछा तो बोलते हैं कि 500 का एक दर्जन, मतलब 12 मिलेंगे 500 का, बहुत कॉस्टली बता रहा है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है मुझे आउटसाइडर देख के वो बता रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा महंगा क्यों बता रहा हो मुझे। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पपाया एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो कि गोवा के सेंटर में स्थित है। वो फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पर लाते हैं ये लोग, और इनका मेन टारगेट रहता है कि फॉरिनर्स को बेचना, क्योंकि फॉरिनर्स जो आते हैं ना वो वेगान या वेजिटेरियन पसंद करते हैं या फिर ट्राई करते हैं, इसलिए इनका मेन एम रहता है फॉरेनर्स को बेचना। तो अगर आज का यह वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोवा के एक और नए मार्केट और एक नए फिश मार्केट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।